जय हिंद साथियों। 25 सितंबर 2020 को भारतीय किसान यूनियन ने पूरे देश में चक्का जाम और कर्फ्यू का आह्वान किया है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, देश में बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको गेहूं, चावल, चीनी सस्ते रेट पे कंट्रोल की दुकान से मिलता था। क्या इन गरीबों को जीने का अधिकार नहीं है? आज कुछ चीजों को और निकाल दिया गया एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में से, जिसमें दाल, तेल, आलू प्याज ये सब, तो अब आपको ये सस्ते दामों पे कभी भी नहीं मिल सकते। अब इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे किसान भाई हैं, जब वो खेती करा करते थे, जैसे जिस जगह पे वो खेती करते थे वहां से जो फसल उन वो उगती थी उसको मतलब वो रोपते थे, वो फसल में से पूरे साल का वो कोटा उसमें से निकाल लेते थे। इसके अलावा रिश्तेदारी में बांट देते थे और बाकी जाके वो बेच देते थे। ऐसे ही पूरा जीवन निकाल देते थे हमारे किसान भाई। अब जानते हैं कि क्या होने वाला है। जो गरीब है वो आत्महत्या की तरफ क्यों जाएगा, ये समझिए। उधर कंट्रोल की दुकान से गरीब मजदूर जो है, गरीब आदमी जो है, उसको सस्ते में सामान नहीं मिलने वाला, क्योंकि सरकार अब इसे खरीद नहीं सकती। दूसरी तरफ वो जो हमारा किसान है, जिस जमीन पे वो खेती करेगा, अब वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, अब सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, तो एक बड़ा व्यापारी आएगा जिसके साथ वो एक अग्रीमेंट करेगा, और जब ये अग्रीमेंट करेगा तो क्या वो अग्रीमेंट उस पूरे फसल के लिए नहीं होगा? तो जो फसल है किसान अपने घर कहाँ ले जा पाएगा, कहाँ अपने रिश्तेदारों में बांट पाएगा, और क्योंकि वो सारी की सारी फसल तो जो बड़ा व्यापारी है वो ले जाएगा, क्यों छोड़ेगा वो उस छोटे व्यापारी के लिए? उसके लिए क्या महत्व है उस व्यापारी का, जो एक सरकार के लिए उसका महत्व कुछ हो भी सकता था? और अगर ये किसान अब आत्महत्या की तरफ नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? गरीब को और गरीब बनाने के ये कानून बनाए हैं हमारी सरकार ने, बिना कृषि के हितधारकों से बात किए, यानी कि किसानों से।